वंदे मातरम बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चालू पूर्ण वर्तमान काल, इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों वाक्य देखे थे और आपको अच्छे से समझाया भी था कि भाई चालू पूर्ण वर्तमान काल जो है उसका मतलब कोई क्रिया भूतकाल में शुरू हुई है लेकिन अभी भी वो कैसे है, कंटिन्यू में है और इन फ्यूचर भी वो कंटिन्यू रह सकती है। कोई काम हमने हाथ में लिया था, जैसे मैंने 10 बजे कुछ करना शुरू किया और अभी मानो कि भाई 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे, ठीक है, तो अभी भी मैं वो काम कर रही हूँ और आगे भी मेरा वो काम चल रहा होगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कौन सा टेंस आता है, चालू पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, एक एक हिंट इसकी ये भी है कि भाई चालू पूर्ण वर्तमान काल में जो भी वर्ब होते हैं ना वो क्रिया गति सूचक होते हैं, कोई भी गति दर्शाते हैं, जैसे कि भाई आना जाना, खाना पीना, रोना, वो ये कर रहा है, वो कर रही है, वो लिख रही है, पढ़ रही है, गा रही है, लाइक दिस। ठीक है, ओके बच्चों, हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था कि भाई हैव हैज और उसके साथ बिल लगेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर तो मैंने आपको समझा ही दिया है, स्ट्रक्चर में आपको ये बात तो अभी तक समझ आ ही चुकी होगी कि कोई भी टेंस अगर शुरू होता है उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, इसमें सेम स्ट्रक्चर होता है, बस थोड़े से चेंजेस आते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है उससे नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या बदल आता है, नॉट जुड़ जाता है, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह बदल जाती है। ठीक है, और डबल इंट्रोगेटिव में बस WH फैमिली उसके आगे जुड़ जाता है, जो इंट्रोगेटिव में हो वैसे ही स्ट्रक्चर रहता है, बस ये जुड़ जाता है WH। ठीक है, ओके ओके, देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, बेन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, इसको आप V4 भी कह सकते हो, अगर डायरेक्ट V4 कहते हैं मतलब वो ING फॉर्म वाला है, वर्ब की ING फॉर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट और सीन्स और फोर, सीन्स और फोर भी मैंने आपको समझाया था, सीन्स जो है वो आपका क्या दर्शाता है, टाइमिंग, कैसा टाइमिंग, जो फिक्स हो, और फोर आपकी ड्यूरेशन दर्शाती है या फिर जिसे आप कहते हो टाइमिंग जो नॉट फिक्स हो। ठीक है, ये एक आप समझ लीजिए, ये दोनों आपको समझ लें क्योंकि तभी आप वाक्य में इसमें समझ पाएंगे। देखते हैं पहला वाक्य, क्या तुम 3 साल से यहाँ काम कर रहे हो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम मतलब यू, तो यू के साथ क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब है, मैंने आपको ये समझाया था ना कि भाई ही शी इट हो या फिर कोई एक नाम हो तो आता है हैज, आई वी यू दे या फिर एक से ज्यादा नाम हो तो आपका आता है हैव, मतलब सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैज, हैव। ठीक है, तो यहाँ पे यू है तो हैव आया, हैव यू बिन क्या कर रहे, मेन वर्ब क्या है, काम करना, क्रिया कौन सी, काम करने की, तो क्या आएगा, हैव यू बिन वर्क, वर्क के साथ क्या लग जाएगा, ING हो गया, वर्किंग, हैव यू बिन वर्किंग, कहाँ, यहाँ, हियर, कब से, 3 साल से, कौन से 3 साल दिए है क्या, कि भाई ये 3 साल, वो 3 साल, 5-6 साल या फिर 2011-12-13-14-15-16 ऐसा कुछ दिया है, नहीं दिया है, बस 3 साल दिए है, तो 3 साल तो फिक्स नहीं है, तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, नॉट फिक्स है ना, 4, 3 years। ठीक है, ओके, क्वेश्चन मार्क, अगला देखते, क्या वो 2 घंटे से सो रहा है, वह रहा है, मतलब मेल है और भी सिंगुलर है, क्या, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ आगे क्या लगेगा, हैज। ठीक है, हैज ही बिन, क्रिया कौन सी है, सोने की, सोना, स्लीप, ठीक है, स्लीप के साथ हमारा लग जाएगा, ING हो जाएगा, स्लीपिंग। ठीक है, Has he been sleeping? कब से, 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे दिए है क्या, कि भाई 11 से 1 या 10 से 12 ऐसा कुछ दिया है, नहीं, बस 2 घंटे दिए, मतलब अगेन नॉट फिक्स है, तो क्या आएगा, Has he been sleeping for 2 hours? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ओके, ये दोनों तो 4 के हुए, सिंस का अगर आपको एक करवाओ तो मान लीजिए हम ये पहला ही वाक्य ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 साल दिया है ना, इसकी जगह हम कोई फिक्स टाइमिंग ले लेते हैं, जैसे कि मैं लिख देती हूँ, क्या तुम 10 मार्च से यहाँ काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिक्स टाइम ले लिया, बाकी वाक्य में चेंजेस कहाँ आएंगे वो देखिए, अब अगेन सिंगुलर, सॉरी, सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन है, यू आया, तो यू के साथ हमारे यहाँ पे हैव आएगा, हैव यू बिन
काम करना वर्क, उसके साथ आई एनजी लगी होगी वर्किंग। हैव यू बीन वर्किंग, कहाँ, यहाँ पे, हियर। अब देखिए 10 मार्च फिक्स है, क्या फिक्स है, फिक्स है ना, टाइम तो दिया है भाई, 10 मार्च पर्टिकुलर तारीख दी है, तो क्या आएगा फोर की जगह सेंस, 10 मार्च। हैव यू बीन वर्किंग हियर सिंस 10 मार्च, क्लियर हुआ, ओके, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब रही डबल इंट्रोगेटिव की बात, डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिए, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, बस हमने डबल इंट्रोगेटिव में आगे डब्ल्यू एच फैमिली जोड़ दी है, ठीक है, ओके। अब समझ लेती है वाक्य को, वह सुबह से क्या कर रहा है, वह सुबह से क्या, प्रश्न पूछा ना कि भाई क्या, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, सॉरी क्या की इंग्लिश हमारी होती है व्हाट, हो गया। अब हमारा सेम टू सेम स्ट्रक्चर तो आपका आसानी से आ गया होगा, ठीक है, व्हाट, तो व्हाट के बाद क्या आएगा वो किस पर डिपेंड करता है, कि भाई वह सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह रहा, रहा है, रही है नहीं है, रहा है मतलब मेल है, वह एक वचन है, एक वचन मेल, ही, तो ही के आगे क्या आएगा, has, what has he been, what has he been, करना, क्रिया क्या है, करना, मेन वर्ब, तो डू के साथ आईएनजी लग जाएगा, हो जाएगा डूइंग, what has he been doing, सुबह से, सुबह, मैंने आपको बताया था कि भाई सुबह, आफ्टरनून, इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, ये कैसी है, फिक्स टाइमिंग है, तो सिंस आगे आता है ना, ठीक है, what has he been doing since morning, क्लियर हुआ, ओके, अगला देखते हैं, वे लोग 2 घंटे से क्यों खेल रहे हैं, भाई उनकी मर्जी, ठीक है, समझ लेते हैं, क्यों खेल रहे हैं, तो क्यों, why, why, ठीक है, ये हमारा WH word लग गया। अब देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, वह नहीं, वे है, मतलब बहुवचन है और ओके, बहुवचन में, बहुवचन है तो हमारा लगेगा दे, और दे के आगे फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, have, why have they, okay, why have they been, अब हमारी मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलने के लिए क्या आता है, play के साथ आई एन जी लग गई, हो गया playing, why have they been playing, अब देखिए 2 घंटे से, अगेन कौन से 2 घंटे नहीं दिया हुआ है, तो हमारा क्या आएगा, और 2 hours question mark, why have they been playing for 2 hours, clear हुआ, interrogative and double interrogative एकदम आसान है, थोड़े से changes के साथ हमारे दोनों टाइप के वाक्य complete हो गए, ठीक है, exercise के वाक्य मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देती हूँ, फिर आप कर लीजिएगा, मैंने पहला sentence लिया हुआ है, how long खाली जगह you बिन खाली जगह इन द क्यू, कि भाई कब से वो लाइन में, क्यू मतलब लाइन होता है, ठीक है, कतार, इसमें खड़े हुए हैं, स्टैंड दिया है ना इसलिए। अब इसमें देखिए मैंने बिन ऑलरेडी लिख दिया, लास्ट वाले हमने अफर्मेटिव और निगेटिव किए थे तब नहीं लिखा था, आपको समझने के लिए कि आप कैसे उसका उपयोग होता है, कहाँ वो समझ सको, अभी आप तो समझ में आ गया है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बस 2 खाली जगह दी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। सेकेंड, खाली जगह, she been खाली जगह to put the baby to sleep for an hour, main verb दी है आपकी try, कि भाई वो 1 घंटे से बेबी को सुलाने की कोशिश कर रही है, put the baby to sleep मतलब सुलाने की कोशिश करना, ठीक है, ओके। थर्ड है, why खाली जगह your phone been खाली जगह since morning, कि भाई जैसे कि सुबह से तुम्हारा फोन क्यों व्यस्त है, like this, आपकी main verb दी है busy, अभी इसमें एक याद रखिएगा, busy का busying नहीं होता, ठीक है, आप कहेंगे कि भाई कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो फिर हमें तो आई एन जी लगानी ही पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनका हम आई एन जी फॉर्म नहीं लगाते, ठीक है, जैसे कि बिजी है, इसका बिजी कभी आपने सुना है क्या, नहीं सुना ना, बिजी का बिजी ही रहेगा, ठीक है, ओके। फिर है हमारा क्रिया चालू है और अभी भी वो, मतलब सुबह से तुम्हारा फोन व्यस्त है, अभी भी व्यस्त है, तो इसके लिए तो सेंस लगा है ना, तो इससे आप पहचान सकते हो कि भाई ये चालू पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है, ओके। चौथा,
खाली जगह यू बीन खाली जगह सिंस मंडे. तो हाँ कि भाई तुम सोमवार से आ रहे हो क्या, लाइक दिस. तो यहाँ पे मैंने मेन वर्ब दी है कम, ठीक है. फिर पांचवा है खाली जगह शी बीन खाली जगह द प्रोजेक्ट फॉर 2 वीक्स. वो 2 हफ्तों से प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है, लाइक दिस. तो इसमें हम मैंने मेन वर्ब दी है हैंडल, ठीक है. एकदम आसान से सेंटेंस है, मैंने आपको पूरा हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए नहीं दिया है, इसमें आपको समझ में आ गया. बस आपको खाली जगह दी है और वो एकदम आसान होती है, आप कर सकते हो, ठीक है. इतना करिए, फिर अगले लेक्चर में हम अगला टेंस शुरू करेंगे. तब तक के लिए वंदे मातरम.